चैनल में आप सबका स्वागत है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि एंकरली के पास सियोनी के स्टोकर का फोन आता है और वो उसे कहता है कि वो हाजिन के स्टोकर को जानता है और अगर वो हाजिन को सेफ देखना चाहता है तो उसे हाजिन की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। पर जब एंकरली उससे हाजिन के स्टोकर के बारे में पूछता है तब वो फोन को रखकर वहां से चला जाता है और फिर हाजिन अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वो एंकरली से पूछती है कि वो इतनी देर से किससे बात कर रहा था। पर एंकरली उससे कहता है कि वो कॉल उसके काम के लिए थी और एंकरली हाजिन की सेफ्टी के लिए वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिपोर्टर जो हाजिन की बहन से मिलने जाता है और वो हाजिन की बहन के साथ मूवी देखने लगता है और रिपोर्टर जो वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह हाजिन एंकरली के साथ अपनी बहन से मिलने जाती है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वो दोनों वहाँ रिपोर्टर जो को देखते हैं और एंकरली रिपोर्टर जो को हाजिन और उसकी बहन को घर छोड़ने को कहता है। फिर एंकरली सियोनी के स्टॉकर से मिलने जाता है और वो उससे हाजिन के स्टॉकर के बारे में पूछता है पर वो कहता है कि उसे भी हाजिन के स्टॉकर के बारे में कुछ नहीं पता, उसे बस उसके कुछ लेटर मिले थे और उसने भी उसके लेटर्स का जवाब दिया था और हाजिन के स्टॉकर से उसे कुछ फोटो भी मिली थी। फिर एंकरली उससे पूछता है कि उनकी उन लेटर्स से क्या बात हुई थी पर वो एंकरली को कुछ नहीं बताता। अगले दिन पुलिस हाजिन के कमरे को चेक करती है और वो उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी पर शक है। तब हाजिन की बहन पुलिस को बताती है कि उसे डायरेक्टर और उसके ड्राइवर और रिपोर्टर पार्क पर शक है। फिर हम देखते हैं कि रिपोर्टर पार्क अपने कंप्यूटर से कुछ फाइल्स को ट्रांसफर कर रहा था और वो हाजिन के स्टॉकर के मैसेज को भी डिलीट कर देता है। पर उसके वहां से भागने से पहले पुलिस उसके घर पहुंच जाती है और जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तब तक रिपोर्टर पार्क वहां से भाग चुका था और जब रिपोर्टर पार्क टैक्सी में बैठा था तब उसके पास एंकरली का मैसेज आता है जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें एंकरली उसे कहता है कि उसके पास खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी रिकॉर्डिंग अपने न्यूज प्रोग्राम पर सबको सुना देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजिन अपने इंटरव्यू के लिए रेडियो शो पर आई थी और उसके स्टॉकर की न्यूज की वजह से सब हाजिन का सपोर्ट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पुलिस हाजिन के घर से बात करने जाती है और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने रिपोर्टर पार्क से उस स्टॉकर के बारे में पूछा था और रिपोर्टर पार्क ने उन्हें बताया कि उस स्टॉकर ने उससे कहा था कि वो हाजिन को उसकी पहली मूवी के पहले से जानता है और हाजिन की बहनों ने बताती है कि उसका ड्राइवर और डायरेक्टर दोनों उन्हें हाजिन की पहली मूवी के रिलीज होने के पहले से जानते हैं। फिर पुलिस हाजिन के ड्राइवर और डायरेक्टर के घर उनसे कुछ सवाल पूछने जाती है और हाजिन के ड्राइवर के घर वो एक हेलमेट देखते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे बाइक चलाने का शौक है। पर हाजिन का ड्राइवर कहता है कि वो कभी कभी ही बाइक चलाता है। दूसरी तरफ पुलिस डायरेक्टर से भी सवाल पूछती है और वो उसके घर में हाजिन की और डिफरेंट प्लेसेस की फोटोज भी देखते हैं। तब वो डायरेक्टर से पूछते हैं कि उसे घूमना बहुत अच्छा लगता है तो उसके पास बाइक भी होगी। पर वो कहता है कि पहले उसके पास बाइक थी पर फिर बाद में उससे बोर होने के कारण उसने वो बाइक बेच दी थी और पुलिस वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हाजिन की डायरेक्टर उसे बताती है कि उसके बर्थडे के लिए उसके फैंस ने उसे बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं और हाजिन की बहन वो सारे गिफ्ट अपने घर पर ले आती है और हाजिन उन गिफ्ट्स के साथ फोटो खिंचवाती है। फिर हम देखते हैं कि हाजिन को एक सपना आता है जिसमें वो सियोनी को देखती है और वो देखती है कि बाइक पर सियोनी को कोई मारने के लिए आता है पर वो सियोनी को धक्का दे देती है और खुद बाइक से टकरा जाती है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। अगले दिन एंकरली के डैड उसे फोन करके घर बुलाते हैं और वो उसे वो बॉक्स देते हैं जो उन्हें अलमारी से मिला था। एंकरली अपने डैड से बॉक्स के बारे में पूछता है तब उसके डैड उसे बताते हैं कि ये उसकी मॉम ने उसके लिए रखा था। जब एंकरली उसे खोलकर देखता है तो उसमें उसकी चीजें होती हैं जिनसे वो बचपन में खेला करता था और वो उन सारी मेमोरीज को याद करता है और उसमें एक लेटर भी था जो उसकी मॉम ने उसके लिए लिखा था और एंकरली उसे पढ़ने लगता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि चाहे किसी को पता हो या ना हो तुम्हें पता है कि ये बॉक्स मेरे लिए खजाना है। वो पल जो तुमने मुझे दिए हैं वो मेरे लिए बहुत हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जब मैं लिखूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला
तो तुम उस बात पर शक मत करना और मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हें कोई कीमती चीज मिल जाए तो तुम उसके पीछे जाने में हिचकिचाओगे नहीं। मुझे सच में यह उम्मीद है कि तुम खुश रहोगे, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। ये लेटर एंकरली की मॉम ने उसके लिए लिखा था। फिर हम देखते हैं कि हाजीन अपने सपने को लेकर बहुत परेशान थी और उसकी बहन उससे पूछती है कि अगर वो ठीक नहीं है तो वो उसका फोटोशूट कैंसिल कर देगी। पर हाजीन कहती है कि वो अपने फोटोशूट के लिए जाएगी। फोटोशूट के बाद हाजीन की बहन उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और वो अपनी बहन को कहती है कि वो ठीक है। पर हाजीन अभी भी उस सपने के बारे में सोच रही थी और उसे वो सपना सच लग रहा था। तब वो उस बाइक एक्सीडेंट के बारे में आर्टिकल्स को सर्च करती है पर उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पर वो दोबारा चेक करती है और दोबारा उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और फिर एंकरली हाजीन को फोन करता है और वो हाजीन से उसके बर्थडे पर उसके साथ डिनर करने के लिए पूछता है और हाजीन भी बहुत खुश हो जाती है और वो उसे हाँ कर देती है। जब एंकरली अपने घर जाता है तब उसे अपने घर में कुछ अजीब लगता है और वो अपने घर को चेक करता है। तब वो देखता है कि उसकी ड्रॉर खुली हुई थी और जब वो उसमें रखी डायरी को देखता है तो उसमें सियोनी और हाजीन की फोटो नहीं होती जो डॉक्टर यू ने उसे दी थी। फिर हम देखते हैं कि हाजीन और उसकी बहन दोनों घर जाते हैं। जब हाजीन की बहन अपनी कार लेने जाती है तो वो देखती है कि कोई उसकी कार लेकर जा रहा था और वो उस कार के पीछे भागने लगती है और वो कार हाजीन के सामने आकर रुक जाती है। जब हाजीन कार के अंदर बैठ जाती है तो वो कार का दरवाजा बंद कर देता है और हाजीन का मुंह ढककर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। और तभी एंकरली हाजीन को फोन करता है पर वो स्टोकर हाजीन का फोन बंद कर देता है और वो हाजीन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर एंकरली हाजीन की बहन को फोन करता है और वो उसे बताती है कि हाजीन को किसी ने किडनैप कर लिया है। और यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।